तो भागलपुर में चुनावी रैली के मंच से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो केंद्र में सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी और हर महीने भत्ता देने का वादा भी किया गया। राहुल गांधी ने मंच से पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को जिताने की अपील भी कर दी और एक तरह से पप्पू यादव को तगड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को भागलपुर में चुनावी रैली की। राहुल के निशाने पर थी केंद्र की मोदी सरकार। मंच से राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी 150 सीट भी पार नहीं करने जा रही। राहुल ने केंद्र सरकार पर युवाओं को नौकरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए वादों की झड़ी लगा दी। कहा, सरकार बनने पर सभी ग्रेजुएट्स को साल भर की अप्रेंटिस दी जाएगी, हर महीने 8,500 रुपए अकाउंट में आएंगे। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1,00,000 रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट। राहुल गांधी के मंच पर भागलपुर के कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा, कटिहार से कांग्रेस कैंडिडेट तारिक अनवर के साथ ही बांका और पूर्णिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव और बीमा भारती भी मौजूद थी। लोगों से इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए मंच से बीमा भारती का नाम लिया। अब आप हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हैं, अजीत शर्मा जी, तारिक अनवर साहब, बीमा भारती जी, जावेद साहब और जयप्रकाश यादव जी का पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए और इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनाइए। पूर्णिया सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे पप्पू यादव को राहुल गांधी के बयान से झटका भी लगा। अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाले पप्पू यादव पर राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे में पप्पू यादव को साफ संकेत भी देने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो भागलपुर में राहुल गांधी ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को जिताने की अपील की। राहुल गांधी के बयान के बाद बीमा भारती उत्साहित हैं, तो पप्पू यादव को निराशा हाथ लगी है। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जमकर भड़ास निकाली और साथ ही ये भी दावा किया कि राहुल गांधी का उन्हें पूरा समर्थन है। 26 अप्रैल को पूर्णिया का चुनाव संपन्न होने के बाद वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में अमेठी जाएंगे और कांग्रेस को जिताने का प्रयास करेंगे। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप लगा दिया है। हमको तो समझ में नहीं आता है, पायल गए थे खड़गे जी के यहाँ गए, राहुल गांधी जी ने तो एक बार भी कुछ नाम तक नहीं लिया। ये अपने मियाँ मिट्ठू बन गए, लेके चले गए। परसों तीनों ने कहा एनडीए को जिताओ या तो इंडिया को जिताओ। पप्पू यादव से क्यों लड़ाई है? हम लोग गए आपकी बहन के लिए, हम जाएंगे 26 के बाद, और हम कांग्रेस के लिए हम जाएंगे, अमेठी में रहेंगे। ये हेलीकॉप्टर ले जा करके अब कब इन्होंने कांग्रेस का सम्मान किया? ये यहाँ नॉमिनेशन दिलाने आए थे, बगल में तारिक अनवर और बगल में जावेद के लिए गए, और मेरे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी हैं, थे, रहेंगे। शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए, सब कुछ सबको पता है, दुनिया को पता है। पूर्णिया के श्रीनगर में तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग राहुल गांधी के समर्थन का दावा करते थे, लेकिन राहुल गांधी ने खुद बीमा भारती को भागलपुर बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दे दिया है। राहुल गांधी ने बीमा भारती को जिताने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को बीजेपी की बी टीम बताया है। राहुल गांधी जी ने बीमा भारती जी को भागलपुर बुलाया। हम सब लोग राहुल गांधी जी के साथ भागलपुर में चुनावी जनसभा में
थे और बीमा भारती जी को बुला करके उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया है और पूरा समर्थन जो है बीमा भारती जी को दिया है। मेरे को मेरे पिताजी को एक बार नहीं सैकड़ों बार गालियां दिया गया लेकिन हमने कभी जवाब पलट के नहीं दिया। हम बोले तेरे दीदी गाली बीजेपी वाला दिलवा रहा है, पैसा उन पे खर्च कर रहा है ताकि हम लोग का वोट होते ना अब बीजेपी आ जाए, इसीलिए खड़ा किया गया। बीजेपी के पैसे पे हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे।